हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे इस मैच बॉक्स का और मैच स्टिक्स का, और करेंगे बहुत ही क्रिएटिव फोटोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आ चुके हम अपनी लोकेशन पे, और मैंने कुछ इस तरह का जो सेटअप क्रिएट किया है, और जो आप मैचस्टिक से जो मैंने मॉडल आर्ट क्रिएट किया आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शंस में बैठे हुए हैं। और बैकग्राउंड के लिए मैंने फेरी लाइट्स को यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमें जो है एक यूनिक पिक्चर मिली और बोके इफेक्ट भी हमें मिले, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ ऊपर, मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ, और कुछ इस तरह से मैंने जो है पूरी लाइट्स को लगाया हुआ है, ठीक है। और हमारा कुछ इफेक्ट जो है इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है। तो चलिए पिक्चर लेनी स्टार्ट करते हैं। कैमरा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सोनी का A6000, और जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो है 50mm 1.8, और जो मेरी आज की सेटिंग्स हैं वो है ISO जो मेरा है वो 640 पे है, शटर स्पीड मेरी 1/25 है, और जो मेरा अपर्चर है वो है 2.0, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें जो है एक अच्छा बोके इफेक्ट मिलेगा। तो मैं आपको लाइव फोकस करके भी बताऊंगा कि किस तरह से हमें फोकस करना है, और ये एक मैक्रो फोटोग्राफी का ही पार्ट है, तो हमें एग्जैक्ट वहीं पे फोकस करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो मैचस्टिक से जो मैंने मॉडल आर्ट क्रिएट किया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और मैं हेल्प ले रहा हूँ सोनी के मैनुअल फोकस असिस्ट की, बिकॉज हम नाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं। और फोकस सेट करने के बाद मैं करूँगा शटर को क्लिक। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि पिक्चर हमें कितनी ऑसम मिली है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉट की तरफ। नेक्स्ट शॉट जो हमारा होगा वो पोज हमारा बिल्कुल सेम ही होगा, बट उस पर हम थोड़ा सा बर्निंग इफेक्ट डालेंगे कि पिक्चर हमारी थोड़ी सी यूनिक निकल के आए। तो चलिए शूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो आप देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा यूनिक पिक्चर हमें मिली है, और बिल्कुल एक क्रिएटिव सी फोटोग्राफी आज हमने की है, ठीक है। हमने सिर्फ एक बेसिक से मैच स्टिक्स का यूज़ किया है, और बोके इफेक्ट के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने फेरी लाइट्स का यूज़ किया था, ठीक है। और इसने मुझे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट जो है हमारी पहुँचाने में भी हेल्प की है इन फेरी लाइट्स ने। और तो आप भी इस तरह की फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।